नमस्कार। आज हम बनाएंगे नाचो चिप्स। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी मक्के का आटा लिया है, आधी कटोरी गेहूं का आटा है, एक चम्मच तेल है, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी और ये नमक और नमक पानी लिया है, गुनगुना पानी। इससे हम आटा लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले हमने ये मक्के का आटा डाल दिया, आधी कटोरी गेहूं का आटा, और ये एक चम्मच तेल, और ये अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन है और थोड़ी सी ये हल्दी, और ये नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसको मिला के सॉफ्ट आटा लगाएंगे। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है, सॉफ्ट आटा हम लगाया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम बनाएंगे। ये हमारा आटा तैयार हो गया है, इसके हम थोड़ा सा यहाँ तेल लगा लेंगे। सब पतला बेल के तैयार कर लिया है, हम इसे कांटे से दूर दूर कर लेंगे इसको। और इसको हम इस तरह से काटेंगे, बीच से एक लाइन करेंगे इसमें, इस तरह से। ये देखिए ये हमारे बनके तैयार हुए। इसी तरह से हम सब बना लेंगे। और हम इसको तलेंगे अभी। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और हम इसमें तेल गर्म है, ये इसमें हम अपने डाल देंगे। अब धीमी धीमी आंच पर इसे सेकेंगे। ये देखिए हमारे सिक्के तैयार हो गए और हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए इसके चिप्स के ऊपर डालने के लिए ये मैंने मसाला के लिए ये मैंने अमचूर लिया है, ये नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये काला नमक, ये धनिया पाउडर और ये जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा। हम इन सबको मिला लेंगे और आप इसको चटपटा बनाना है इस चिप्स को, तो हम इसके ये मसाला इसको मिला देंगे इसके ऊपर, और गरम गरम में ही मिलाएंगे तो इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा। चटपटा करना है, कुरकुरा करना है, तो इसको इस तरह से हम कर लेंगे। इसे बनाते जाएंगे और इसके ऊपर लगाते जाएंगे। देखिए नाचो चिप्स हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं, क्रिस्पी बने हैं बहुत। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे।